गुड इवनिंग गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक इन वीके जनरल क्लासेस। डियर स्टूडेंट, डोंट वेस्ट टाइम, आज हम करते हैं 9th क्लास साइंस। तो गाइस, इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि इससे पहले हमने जो फर्स्ट लेसन किया था मैट्रिक्स और सराउंडिंग, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो वहां पे जाके आप उस पे लिंक पे विजिट करें और फर्स्ट चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करें। तो नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट लेसन सेकंड, इज मैटर अराउंड अ स्फीयर। तो गाइस देखिए कैसा है कि इज मैटर अराउंड अ स्फीयर जो सेकंड लेसन इसने दिया है, 9th क्लास की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड चैप्टर की। इज मैटर अराउंड अ स्फीयर मींस दैट क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो देखिए गाइस, आप जैसे भी मार्केट में जाते हैं, सपोज घी लेते हैं, घी है, ऑयल है, या कोई भी आइटम जिसको हम खाते हैं, वो चीजें जब हम लेते हैं तो क्या आपको वो ये कह के देता है कि ये प्योर है, ऑयल है ये प्योर है, या कोई भी और अदर सब्सटेंस जो आप लेते हैं डेली रूटीन में यूज होती हैं, जो हमारे खाने में भी इस्तेमाल होती हैं, डेली लाइफ में भी यूज होती हैं, तो क्या वो सब चीजें प्योर होती हैं। देखिए इन्हीं के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो गाइस देखिए, इससे पहले हम चलते हैं एक बार लेसन फर्स्ट पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मैटर जो होता है हमारे पास, जो मैटर है, मैटर क्या है, मैटर इज अ सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इट हैज अ फिक्स्ड साइज। तो जो मैटर होता है, जो मैटर है वो क्या है कि एक ऐसा पदार्थ है जो स्थान भी घेरता है, जिसकी एक फिक्स शेप होती है, एक फिक्स वॉल्यूम होता है। तो यहां से हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा है कि मैटर मे बी हैव थ्री स्टेट। जो मैटर होती है उसकी तीन स्टेट होती है। वो तीन स्टेट कौन कौन सी है गाइस? फर्स्ट सॉलिड है, सेकंड लिक्विड है, एंड थर्ड इज गैस है। तो इन सभी में देखिए, यहाँ पे सॉलिड है, ये लिक्विड है, एंड ये गैस है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो इंटरमॉलिक्यूलर मास होता है इनके बीच में, एटम के बीच में, वो सॉलिड में तो बहुत ही टाइटली बाउंड होते हैं, लिक्विड में थोड़ा सा गैप होता है, और सॉलिड में फ्री फ्रॉम ईच अदर। ये चीज है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान रखने वाली। अब बात देखिए आगे की ओर बढ़ाते हैं हम। जो मैटर है, अगर एक वेव में देखा जाए तो मैटर के अलग अलग पार्ट कर दिए इसने। जो मैटर है हमारे पास, मैटर उसको दो भागों में बांट रखा है, और वो दो भागों में क्या है, यहां से हम पढ़ेंगे कि जो प्योर है वो और अनप्योर होते हैं वो मैटर सॉरी। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे मैटर है तो यहां पे मैं लिख देता हूं प्योर सब्सटेंस, और ये होता है अनप्योर सब्सटेंस। मीन्स जो मैटर है उसको दो भागों में बांट दिया, एक तो प्योर सब्सटेंस और एक को अनप्योर सब्सटेंस। तो यहां से अनप्योर प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या है, फर्स्टली तो गाइस क्या है, एलिमेंट, और सेकेंडरी क्या है, कंपाउंड। एंड अनप्योर की अगर हम बात करें तो यहां से होता है मिक्सर, और आगे चल के मिक्सर के भी दो पार्ट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सर। देखिए डिटेल से भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इससे पहले इसी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्या है कि जो प्योर है उसको हमने एलिमेंट कहा और कंपाउंड कहा। अब बात ये आती है कि प्योर क्या चीज है और अनप्योर क्या है। प्योर चीज वो होती है जो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल जब कंबाइन होते हैं तो हमारे पास किसकी फॉर्म बन जाती है, एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि ये तो क्या है, हमारा प्योर सब्सटेंस है। और वो प्योर सब्सटेंस क्या है, जो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से बनता है, वो सब क्या होते हैं, एलिमेंट। डेली लाइफ में बहुत से एलिमेंट हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ मेटल होती हैं, एलिमेंट ही होते हैं वो, जितनी भी गैसें हैं वो सारी एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो सब क्या है, एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं। यहां से आयरन है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, कॉपर है, ये सब क्या है, ये एलिमेंट है, क्योंकि ये सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बनते हैं, इसमें अदर पार्टिकल का और भी हस्तक्षेप नहीं होता है। मींस दैट एक ही प्रकार के अणुओं से, एटम्स से, पार्टिकल से, सपोज ये है मेरे पास मार्कर, ये भी प्योर नहीं है क्योंकि इसमें लिक्विड भी है और सॉलिड भी है और गैस भी डली हुई है इसमें। तो मींस दैट जो सेम, सपोज मेरे पास एक आयरन नेल है, लोहे की एक कील जो होती है, वो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बनी है। इट मींस दैट हम क्या कह सकते हैं उसको, मीन्स आइडेंटिकल पार्टिकल भी बोल सकते हैं इनको, जो सेम टाइप होते हैं वो आइडेंटिकल पार्टिकल से ही मिलके बनते हैं। अब देखिए प्योर
एलिमेंट की बात की, कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं, जब वन और टू एलिमेंट मींस व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन ईच अदर देन क्रिएट ए न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड कंपाउंड. फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरे पास एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसके भी एटम और इसके भी एटम, इसके दो एटम, इसका एक एटम जब मिलते हैं तो मेरे पास क्या हो जाता है, H2O की फॉर्म बन जाती है. वाटर है और सुगर है, साल्ट है, सुगर साल्ट, ये सब क्या है, कंपाउंड के एग्जांपल है. किसके हैं गाइस, कंपाउंड के हैं, जिसको हिंदी में हम यौगिक कहते हैं. जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो एक नई वस्तु का निर्माण करते हैं, जिसका नाम हम क्या रख दिया, यौगिक बोलते हैं जिसको. अब उसके बाद देखिए क्या बात आ जाती है गाइस, होमोजीनियस और हेटरोजीनियस, ये मिक्सर के पार्ट है. इससे पहले मिक्सर की बात कर लेते हैं. मिक्सर क्या होता है, जैसे मकान बनाते हैं तो ऊपर जो लेंटर लगाया जाता है उसको मिक्स करने के लिए RCC जो मसाला जो होता है, रेती रोड़ी सीमेंट, उनको मिलाने के लिए मिक्सर की जरूरत होती है. बहुत बड़ी मशीन होती है जिसमें पानी भी डाला जाता है, सॉलिड भी डाला जाता है, लिक्विड भी डाला जाता है, तो वो एक मिक्सर का फॉर्म बना देती है हमारे पास. तो वो क्या है, वो मिक्सर हो जाते हैं, मीन्स उसमें लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी होता है और गैस भी होती है. वो क्या है, मिक्सर. और उस मिक्सर के दो पार्ट कर दिए, एक होमोजेनियस लिख दिया इसने और एक हेटरोजेनियस लिख दिया. गाइस देखिए, यहां से बिल्कुल भी आप पजल ना हो, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको यहाँ एक्सप्लेन करके बताया जाएगा. जो होमोजेनियस मिक्सर होता है ना, होमोजेनियस मिक्सर, अगर एक बारी अगर ये मिल गया ना तो इसको आप देख नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल, जैसे होमोजीनियस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे माइंड में चल रहा है, वो क्या है कि वो जैसे ये एक मैंने पानी लिया, टेक ए ग्लास ऑफ वाटर, एंड इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, सुगर डाल दी. जब इसके अंदर मैंने सुगर डाल दी तो पानी मीठा हो जाएगा, बिल्कुल मीठा पानी हो जाएगा. जब हम इसको पीते हैं तो साथ के साथ सुगर का भी तो टेस्ट आता है, और डिसॉल्व्ड शुगर इसके अंदर घुल चुकी है, उसको हम देख नहीं सकते. इट मींस दैट इसके अंदर नमक भी हो तो वो भी इसी का एग्जांपल होगा. अदर हैंड कंपैरिजन करें हम हाइड्रोजीनियस मिक्सर की, हाइड्रोजीनियस मिक्सर क्या होगा, जिसको हम मिक्स करने के बाद देख सकते हैं. जैसे कुछ चावल लिए और कुछ गेहूं लिए, दोनों को आपस में मिला दिया, आसानी से हम देख सकते हैं वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, हाइड्रोजीनियस मिक्सर का. दूसरी तरफ सीमेंट ली हमने, सीमेंट में छोटी छोटी जो बजरी पत्थर जो होते हैं उसको हमने मिक्स कर दिया, उसको भी हम आसानी से देख सकते हैं. दूध लिया, दूध में मैंने चने डाल दिए, वो भी क्या है, हाइड्रोजीनियस मिक्सर है. तो मींस दैट इनको हम देख सकते हैं, सॉरी इनको हम देख नहीं सकते, इनको हम मिक्स होने के बाद देख सकते हैं. उसके बाद आगे की तरफ बात करते हैं सॉल्यूशन की. इसमें एक टर्म दी हुई है गाइस, सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन देखिए क्या है, सॉल्यूशन जिसको हम विलयन भी बोलते हैं, छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन जो टर्म होती है, सॉल्यूशन टर्म मींस दो चीजों से मिलके बनी होती है, एक इसमें सॉल्यूट होता है और एक इसमें सॉल्वेंट होता है. तो सॉल्यूशन जो टर्म है वो दो चीजों से मिलके बनी है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दो चीजों से मिलके ये बना होता है. जो सॉल्यूट होता है हमारे पास वो बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में होता है, बिल्कुल ये हमारे पास लेस क्वांटिटी में या लेस अमाउंट में होता है, और ये हमारे पास लार्ज अमाउंट में होता है. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल अभी हमने लिया था, सॉल्वेंट और सॉल्यूट. मींस दैट एक ये ग्लास पानी का लिया मैंने, इसमें क्या है, वाटर डाल दिया. वाटर, वाटर तो क्या है, ये भरा हुआ है. वाटर तो क्या है, इसमें सॉल्वेंट है. वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी है. और लेस अमाउंट में मैंने इसमें क्या डाल दी, सुगर डाल दी. बिल्कुल, टेक ए वन स्पून सुगर, वन स्पून सुगर जब मैं इसके अंदर डाल देता हूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा. क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन. क्यों, क्योंकि इसमें सॉलिड भी पार्टिकल और लिक्विड के पार्टिकल दोनों आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे, जिसको हम देख नहीं सकते. और यहां से
ये हमारे पास एक सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। अब आगे चल के सॉल्यूशन के भी इसने कितने दो पार्ट कर दिए, वो सॉल्यूशन के दो पार्ट कौन से कर दिए, एक को कर दिया सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरे का नाम रख दिया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, ए सॉल्यूशन इन विच एंड नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्वड ऑफ ए गिवन टेम्परेचर, मीन्स जो हमें गिवन टेम्परेचर दिया हुआ है उसके ऊपर हम उसमें और कुछ ज्यादा ऐड नहीं कर सकते, मीन्स दैट वो क्या हो जाएगा हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको भी हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल सोडा बोटल जो होती है, सोडा बोटल क्या होती है, जैसे सॉल्यूशन यहां से अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन दो होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करूं, जिसको मिलने के बाद घुलने के बाद हम देख नहीं सकते। जैसे सोडा बोतल जो होती है, सोडा बोतल में हमारे पास ये जो सोडा बोतल कोल्ड ड्रिंक जो हम लेते हैं, इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है, मींस H2O होता है, और उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लेकिन हम दोनों को नहीं देख सकते। इस गैस की वजह से ही तो यहां से पॉप की साउंड निकलती है। इसको भी माइंड करें क्वेश्चन को, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फॉर जनरल अवेयरनेस के लिए। तो यहां से इस बोतल के अंदर H2O में क्या मिला हुआ है, CO2 गैस, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, ए सॉल्यूशन इन विच मोर ऑफ द सॉलिड कैन बी डिसॉल्वड ऑफ ए गिवन टेम्परेचर, जैसे टी इन सुगर, जैसे चाय को हम सपोज कप टी ऑफ ए कप, चाय में जब हम सुगर डालते हैं, इसको हम फिल्टर भी करते हैं बाय फिल्ट्रेशन, लेकिन फिर भी क्या हम चीनी को अलग कर सकते हैं, नहीं, केवल लीफ ऑफ टी अलग हो जाती है, लेकिन वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो गाइस आज के लिए केवल इतना।